नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट्री में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी आप कह सकते हैं कंपनी की जो इतनी गिरावट के बावजूद भी आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल है जिसको बचा करके रखी है। जहाँ आप अन्य स्टॉक को देखेंगे तो एक भयंकर गिरावट का सिलसिला दिखा रहे हैं, जबकि इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट को बचा के रखा है। देखिए पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने नो डाउट बहुत बहुत भयंकर गिरावट दिखाई ऊपरी स्तरों से, लेकिन पिछले अगर मैं आपको एक महीने का दिखाऊं तो स्टॉक पिछले एक महीने में कहीं नहीं गया है। तो क्यों मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक खरीदारी का अच्छा मौका दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए? ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और यहाँ से वो कौन से लेवल है, अगर ये टूटता है तो कौन से लेवल है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छे आप कह सकते हैं मुझे लगता है रिटर्न यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में टेक्निकली रूप पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेकर चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड, या दोस्तों ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देखें लगभग 1% की गिरावट है दोस्तों। कितनी? लगभग 1% की आपके यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। और आप देखें तो पिछले एक महीने में ना ये स्टॉक यही समय बिता रहा है दोस्तों। कैसे? पिछले एक महीने में दिखाऊं तो आप देखें तो मात्र स्टॉक कहीं नहीं गया है। ये एक बार निचले स्तर से ऊपर गया 146 से वापस है गिरावट, यानी 4-5 रुपए की गिरावट, 10 रुपए के अलावा स्टॉक पिछले एक महीने में कहीं गया ही नहीं। बात करूं पिछले 6 महीने में तो ये आप देखें ये कब का डेट है, ये देखिए ये गया दिसंबर और आज है ये मार्च। यानी आप देखेंगे तो पिछले तीन महीनों में स्टॉक कहीं नहीं गया दोस्तों। और अच्छी चीज़ ये है कि ये लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये जो 137 है ना ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। और अगर अगर बाजार में थोड़ी भी तेजी आती है तो यहाँ से आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब 137 जो सपोर्ट लेवल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अगर ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है बहुत बड़े स्तरों पे, तो फिर गिरावट आप देखेंगे कि एक बड़े स्तरों पे शायद आपको होने को दिखे। पिछले एक साल में देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट है, लेकिन देखिए ये अब तक का जो लो है इसका ये 134 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर टूटेगा स्टॉक तो एक 134 रुपये है जहां पर एक बड़ा सपोर्ट आपको ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और अगर मैं आगे थोड़ा चलूं दोस्तों, आप देखें यहाँ पे पिछले 5 साल में अगर हम पिक्चर थोड़ी बड़ी करें तो आप देखें ये 164 और उसके बाद जो एक यहाँ सपोर्ट आता है ना वो 118 रुपये के आसपास आता है और उससे पहले 136 है छोटा सा। तो अगर ये 136 रुपये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है अगर वो टूटता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो दोस्तों सपोर्ट है ना उसे 122 से लेकर के 111 है। तो मुझे ये लगता है दोस्तों अगर ये टूटता है तो 111 से लेकर के 122 रुपये जो है ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। और फिर क्योंकि देखिए आप समझिए 5 साल का डेटा है तो फिर ये जो लेवल है और उसके बाद सीधी क्योंकि उसके बाद जो गैप है छोटी वो सीधा 99 और फिर सीधा 88। तो देखिए अगर 111 टूटता है तो फिर सबसे बड़ा जो अक्सर मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट 100 रुपये और फिर सीधा 90 रुपये। और यकीन मानिए अगर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री आपको 90 रुपये में मिल रही है तो फिर दोस्तों आने वाले अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 4 साल का है ना तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्टॉक कोई आपको देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जिस तरह से लगातार फैशनेबल के लिए दरवाजों का सिलसिला चल रहा है और जिस तरह की मार्केट लीडर भी कंपनी है, मुझे यहाँ से स्टॉक सिर्फ मात्र ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर देखिए क्वार्टर फोर में कुछ भी रीजंस होते हैं किसी कारणवश आपको स्टॉक गिरावट पर मिलता है तो मैं आपको बता दूं 90 रुपये वो लेवल्स हैं जो मुझे लगता है आपको ग्रीन प्लाई में फॉर अ लॉन्गर टर्म एक काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।